ड्रीम इलेवन एक ऐसा गेम है यहाँ पर कब किसकी किस्मत चमक जाए ये भगवान भी नहीं बता सकते। कभी नए खिलाड़ी की किस्मत चमक जाती है तो कभी वही खिलाड़ी जिसका कोई भरोसा नहीं कि वो जीत पाएगा अचानक करोड़पति बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे ही किस्मत के धनी ड्रीम इलेवन विनर की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने 2018 में खेलना शुरू किया था। 6 साल तक वो लगातार खेला, 9000 से ज्यादा मैच उन्होंने खेले। 9000 मैच खेलने के बाद वो थक गए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 9000 बार किस्मत के दरवाजे को खटखटाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लेकिन कल के मैच में उसने एक टीम लगाई और करोड़पति बन गया। उसका नाम है प्रमोद। आज हम आपको उसी की कहानी आपको बताने जा रहे हैं और किस तरीके से उसने 1 करोड़ रुपए जीते हैं वो ट्रिक भी आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को आपको पूरा देखना है। प्रमोद ने ड्रीम इलेवन पर अब तक 9000 से ज्यादा मैचों में टीम बनाई थी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 9000। इतने मैच तो सचिन तेंदुलकर ने भी अब तक नहीं खेले होंगे, मगर प्रमोद जी ने ठान लिया था कि ड्रीम इलेवन में वो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेंगे। बस इसी हौसले के साथ वो खेलते रहे, टीम बनाते रहे, हारते रहे और खेलते रहे। प्रमोद की मेहनत रंग आई जब इंडिया और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच आखिरी मैच, तीसरा मैच जब चल रहा था और उन्होंने टीम बनाई 7, और 7 टीमों में से 1 टीम टॉप पर आ गई। जी हाँ, 7 टीम। भाई प्रमोद को देखकर तो आईपीएल के कोच भी शर्मा जाए। उनकी एक टीम ने ऐसा धमाका किया कि सीधे ग्रैंड लीग के पहले स्थान पर पहुंच गई और इसके साथ ही प्रमोद ने 1 करोड़ रुपए की चेकबुक अपने नाम कर ली। अरे भाई, वो कहते हैं ना कि जिस पर भगवान मेहरबान उस पर ड्रीम इलेवन कैप्टन वाइस कैप्टन भी मेहरबान। प्रमोद जी की टीम ने 971 पॉइंट हासिल किए, जैसे उन्हें खुद क्रिकेट के भगवान ने आशीर्वाद दे दिया हो। प्रमोद की मेहनत, सब्र और 2018 से उनके धैर्य ने साबित कर दिया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं तो किस्मत जरूर आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। तो अगली बार जब ड्रीम इलेवन में टीम बनाए और जीत ना पाए तो प्रमोद जी की कहानी को याद रखिएगा, हो सकता है कि अगली बार किस्मत आपके दरवाजे पर दस्तक दे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ किस्मत वाले प्रमोद से सीखने वाले कुछ ग्रैंड लीग के टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप भी ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। अब प्रमोद जी की कहानी सुनकर तो हर ड्रीम इलेवन खिलाड़ी का जोश हाई फाई हो गया होगा। करोड़पति बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन इसके लिए थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो चलिए, प्रमोद की जीत से हमें क्या क्या ट्रिक सीखने को मिलती है वो जानते हैं। नंबर 1, ज्यादा टीमें बनाना विकल्प, क्योंकि आपको तैयार रखने हैं। प्रमोद जी ने 1 टीम से नहीं बल्कि 60 टीमों से बाजी मारी। ड्रीम इलेवन में सिर्फ 1 टीम पर भरोसा करने से अच्छा है कि आप कई टीम बनाएं, अलग अलग प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं, कभी ना कभी 1 टीम हिट कर जाती है। ये पहला तरीका है जो आपको प्रमोद से सीखना चाहिए। दूसरा तरीका जो ट्रिक है वो है कमजोर लगने वाले प्लेयर्स को मौका दें। अक्सर हम बड़े नामों पर ही दाव लगाते हैं, लेकिन प्रमोद जैसे खिलाड़ी वही होते हैं जो बाहर बैठे प्लेयर्स को मौका देते हैं। कभी कभी ये प्लेयर्स मैच में ऐसा कमाल कर जाते हैं कि बड़े बड़े स्टार्स को पीछे छोड़ देते हैं। जैसे पहले 2 मैचों में स्मृति मंधाना फ्लॉप रही, लेकिन इस मैच में उन्होंने शतक लगाकर सबके होश उड़ा दिए। ऐसे खिलाड़ी जो अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं, उन्हें आपको अपनी टीम में रखना है। तीसरा आपके लिए टिप्स है कि मैच कंडीशन और ग्राउंड के हिसाब से टीम बनाए। हम जानते हैं कि हर मैच की स्थिति अलग होती है, पिच की कंडीशन, मौसम और टीम का प्रदर्शन। प्रमोद जैसे अनुभवी खिलाड़ी जानते हैं कि मैच से पहले सही जानकारी लेना और उसी आधार पर टीम बनाना जरूरी है। हमेशा मौसम, पिच रिपोर्ट और खिलाड़ियों के फॉर्म पर नजर रखें। चौथा टिप्स है कैप्टन वाइस कैप्टन पर स्पेशल ध्यान दें। ग्रैंड लीग जीतने के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन के चुनाव पर खास ध्यान दें। प्रमोद ने भी सही कैप्टन वाइस कैप्टन चुनकर बाजी मारी। ऐसे प्लेयर्स को चुने जो मैच में गेम चेंजर बन सकते हैं और सबकी उम्मीदों से हटके भी हों। पांचवा टिप्स है आपके लिए कि छोटे कॉन्टेस्ट में प्रैक्टिस करें। पहले छोटे कॉन्टेस्ट में भाग लें, वहां से ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी सीखें, फिर बड़ी ग्रैंड लीग्स में आएं। इस तरह आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और खेल में आपकी पकड़ भी बनेगी। लास्ट एंड फाइनल की हिम्मत न हारें, धैर्य रखें। प्रमोद की सबसे बड़ी ट्रिक यही थी कि उन्होंने 2018 से लेकर अब तक हार नहीं मानी। ड्रीम इलेवन में जीतना सिर्फ किस्मत का खेल नहीं बल्कि धैर्य का भी खेल है। हमेशा सकारात्मक रहें और धैर्य बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आप भी ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग जीतने का सपना देख रहे हैं तो प्रमोद की तरह दिमाग से काम लें, थोड़ा धैर्य रखें और अपनी रणनीति को मजबूत बनाएं। कौन जानता है कि अगला करोड़पति आप ही हो सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।